हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे और अभी बज रहे 6:30 और शाम का समय है और हम निकले हैं फिर आज ऐसे ही थोड़ा घूमने फिरने। तो हम निकले अपने घर की बैक साइड वाली रोड पे। ये अधिका के चाचा चाची भी आज हमारे साथ हैं, वो अपनी बाइक में है और हम तीनों अपनी बाइक में हैं, अधिका, मैं, उसके पापा। और हम ये निकले इस रोड पे सीधे सीधे। हम यहाँ आधे रास्ते तक तो आए हैं लेकिन हमें ये पता नहीं कि इस रोड का एंड कहाँ पर है, कहाँ तक ये रोड जाती है। तो देखते हैं कहाँ तक ये रोड हमको ले जाती है। ये हमने पहला पुल पार किया, यतिका के चाचा चाची की बाइक आगे निकलते हुए और हम उनके पीछे पीछे हैं अभी। ये यहाँ पर मंदिर है शिव जी का, यहाँ तक तो मैं और अधिका के पापा आए हैं, मुझे याद है, वो भी पैदल पैदल। लेकिन इससे आगे हम लोग नहीं गए और ना मुझे पता है कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। तो चलो देखते हैं कहाँ तक जाता है। और अभी मौसम इतना अच्छा है ना, हल्की हल्की धूप है और हवा चल रही है अच्छी वाली, ऊपर आसमान में पहाड़ी में बादल लगे हुए हैं। और ये अच्छा सा व्यू, यहाँ पे अधिका के चाचा चाची रुकते हुए और हमसे पूछते हुए कि किधर जाएं, इस वाली रोड को पकड़िए सीधी सीधी। तो हम तो निकल के सीधे सीधे और हमने उन्हें बोला पीछे आओ, क्योंकि वो जो रास्ता जा रहा है वो हमको किसी गांव की तरफ ले जाएगा और हमको जाना है सीधा सीधा, तो हम इसी रोड पर जाएंगे सीधा सीधा। तो हम तो वहाँ से निकल लिए आगे और अधिका के चाचा चाची भी हमारे पीछे पीछे आते हुए। ये हमारा दूसरा पुल, देखो मैंने ये पार किया, इसमें काफ़ी सारे पुल हैं, 2-3 तो आ चुके हैं। ये देखो लोग सैर करते हुए भी दिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर से आते हैं लोग यहाँ सैर करने करने। और ये लोग सीधी सीधी जाते हुए, बहुत ही अच्छा व्यू है, ज़्यादा कोई ट्रैफिक से भरा हुआ नहीं है, मतलब जा रहे हैं लोग लेकिन बाइक में होंगे या तो पैदल होंगे, एक आधा गाड़ी दिखेंगी, बाकी सारे पैदल वाले। ये तीसरा पुल आता हुआ,
लड़के लड़के हैं, आसपास के गांव के लड़के होंगे हम किसी गांव के बीच ये किसी के खेत हैं बड़े बड़े और एक गुरुद्वारा दूर से दिखाई पड़ रहा है कि वो बड़ा सा एक होर्डिंग लगा है जो कि शायद लिखा है कि ये रास्ता हमारा जहाँ इस रोड का एंड यहीं पर है क्योंकि आगे हमको लग जाएगा हाईवे, हमें वहाँ नहीं जाना है। अगर हम उधर निकले तो हम सीधा बद्दी साइड निकलेंगे और हम उधर जाना नहीं चाहते। ये दिखा कि चाचू चाची पीछे से आते हुए उनको भी हम बोलेंगे तुमने वो सामने दिख रहा है, थोड़ा सा दिखा है क्योंकि कैमरा काफ़ी मूव कर रहा है इसलिए मैं दिखा नहीं पाई ढंग से। और दिखा कि पापा को भी जल्दी जल्दी लगी है कि अंधेरा हो जाएगा तो फिर हम घर लेट पहुँचेंगे, इस चक्कर में हमें हमने वो देखो सामने फोटो क्लिक करते हुए दिखाता है।
धीरे अंधेरा होने लगेगा। पहले जिससे ज़्यादा अंधेरा हो, उससे पहले हम घर पहुँचें।